जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 22 जनवरी की तारीख, अब चार दिन का इंतजार और उसके बाद आप सभी जानते हैं सालों के तप, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और सपनों का प्रतीक और प्रतिबिंब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है। सालों का संघर्ष, लेकिन जब भी हम प्रभु राम की बात करते हैं तो राम कथा का जिक्र जरूर आता है। और जब हम राम कथा की बात करेंगे तो हमारे साथ विशेष तौर पर आज विशेष मेहमान मुरारी बापू जी हैं, कथावाचक। मुरारी बापू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सवाल तो आपसे मैं नहीं पूछ सकता हूं कुछ, क्योंकि आपसे तो सब सीखा है जितना भी। बस आपके मन की भावनाएं आज पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि पूरा जो संघर्ष रहा 500 वर्षों का, कानूनी लड़ाई, आखिरकार चार दिन बाद रामलला विराजमान होने जा रहे भव्य राम मंदिर, तो मुरारी बापू के मन में क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर? बापू, देखो, भगवान राम का वनवास हुआ तो ये अवधि तो केवल 14 साल की थी और 14 साल के बाद भगवान लौट आए, लेकिन ये अवधि तो बहुत बड़ी लंबी रही। और इस कालखंड में हम सब जानते हैं कि कितने कितने संघर्ष हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, एक बहुत बड़ा वो हुआ। लेकिन अब इस भूतकाल में हम ज्यादा जाकर उसका गिला करें इससे जी। अब जो 22 तारीख का दिन आ रहा है उसका आनंद, उसका परमानंद लूटे, क्योंकि कोई बड़ी उपलब्धि बड़ी तपस्या के बाद आती है, बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत कुर्बानी के बाद आती है। मुझे लगता है कि 500 साल की ये तपस्या, ये बड़ा त्याग, उसका फलस्वरूप ये राम मंदिर और 22 को रामलला का विराजना और उसके मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना। कोई भी फल बिना ऐसे तो नहीं आता, लेकिन ये फल नहीं आ रहा है मेरी दृष्टि में जी। हम भारतीयों के लिए और पूरे संसार के लिए फल नहीं है, सुफल है, ये सुफल है। बापू, अगर रामचरित मानस की किसी चौपाई के जरिए मैं आपसे समझना चाहूं इस पूरे प्रकरण को, पूरे संघर्ष को, कोई एक चौपाई समाहित करे। सेतु बंध भई वीर, कपिन अभिपंथ उड़ाई। भगवान को सेतु बनाना था लंका में जाने के लिए जी, और दूरीत को निर्वाण देकर राम राज्य का निर्वाण करने के लिए, तब परमात्मा ने जो सेतु बनाया उसमें बंदर, भालू, पत्थर, अनगणित लोगों ने अपना योगदान दिया और फिर ये सेतु बन गया। मुझे लगता है कि ये राम मंदिर अब सेतु बनाने जा रहा है और एक ऐसा सेतु बने संसार में कि कहीं भी खंडनात्मक प्रवृत्ति न हो, सृजनात्मक प्रवृत्ति हो। तो मानस में तो आपको ये पल, भगवान राम ने कितना अपनी पदयात्रा की, 14 साल तक पदयात्रा की, रास्ते में आए कई अधमों का उद्धार किया, कई आखिरी लोगों का स्वीकार किया। तो ये करते 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 तो भगवान राम सत्य की राह पर चले, प्रेम बांटते चले और पूरे संसार पर करुणा करते चले, इसलिए ये परिणाम आया। तो मानस में तो ऐसे कई प्रसंग हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हमको इस वक्त नजर आ रहा है पूरे देश में, मतलब हम लोगों ने शायद, मतलब मैंने भी नहीं कल्पना की, हम मेरे को भी पत्रकारिता करते हुए 17-18 साल हुए हैं बापू, मतलब परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा उत्सव, मतलब ये हैरान, आपको हैरान करता है या ये बदलाव का परिचायक है कि कभी मंदिर के लिए ऐसा उत्सव हो रहा है? हम लोग अयोध्या में हैं, पूरा देश हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा उत्सव, उमंग, वो भी मंदिर के लिए, परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्या ये किसी बदलाव का परिचायक है? दोनों है। एक तो आप तो 17-18 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं 65 साल से कथा गा रहा हूँ। बिल्कुल जी। और मेरी आयु आज 78 साल की है। मैंने तो दुनिया में
कोई मंदिर और उसके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में इतना आनंद उत्सव गर्व मैंने नहीं देखा है, और भविष्य में हो कि नहीं वो मुझे पता नहीं। तो एक तो ये, और ये केवल इसको धार्मिक दृष्टि से ही न देखा जाए, बिल्कुल ये आध्यात्मिक माहौल है। धार्मिक दृष्टि से देखो तो कोई विशेष धर्म के लोग ही इसमें जुड़ेंगे, इसमें सब जुड़े हैं। विदेश में जहां जहां भी राम कथा है, रामलीला है, राम के विचार है अपने अपने ढंग से, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। अथवा तो हमारे सनातन धर्मी जहां जहां जिस देश में है वहां उत्सव मना, और मैं गुजरात सौराष्ट्र जाता हूं, कोई गांव खाली नहीं है कि जहां उत्सव नहीं हो रहा है। तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, और इससे बदलाव हो सकता है। बदलाव ये बदलाव की तो मैं तो बार बार कहता हूं कि 22 तारीख भारत के लिए और भारत के द्वारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और सगुन है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी बापू जी, आपने समय निकाला।